दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्री कुटीर में। मेरा नाम है पीयूष सर। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं दोस्तों एलपी साइको टेस्ट के, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 2014 में डिफरेंट डिफरेंट जोन से जो क्वेश्चन आए हुए दोस्तों, ब्रिक टेस्ट की मैं बात करूं, ईट परीक्षण की मैं बात करूं या फिर हिडन क्यूब टेस्ट की, तो ये सब कुछ मैं करा रहा हूं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको पता लगे कि आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ये भी क्वेश्चन रेलवे ने बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है। और दोस्तों जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं अगर प्रीवियस में बात करूं, प्रीवियस वीडियोस में, तो वो सब भी क्वेश्चंस मैंने यही करा। वहां पे दोस्तों बात ये थी कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन थे तो वहां पे कुछ क्वेश्चन टफ थे, लेकिन यहां पे दोस्तों रेलवे ने जो पूछा है दोस्तों क्वेश्चन, वहां पे बहुत क्वेश्चन आपको आसान भी मिलेंगे। आसान का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहां पे सब तो एक ही कॉन्सेप्ट पे होते हैं। आसान का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि वहां पे आपको टाइम बहुत ही कम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप करना क्या दोस्तों, जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, यहां पे आपने करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और आप उसका आंसर करना है, उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो आप वहां से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और स्पीड दोस्तों बढ़ाने के लिए, स्पीड और एक्यूरेसी अगर मैं बताऊं दोस्तों, अगर बढ़ाने के लिए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना बहुत ही जरूरी है। और एग्जाम में मैं बात करूं दोस्तों, एलपी साइको अगर आपने क्लियर करना है तो वहां पे अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने से क्या होगा दोस्तों, आपका कंसंट्रेशन जो है वो लैग नहीं करेगा। और एग्जाम दोस्तों अगर आपने क्लियर करना है साइको टेस्ट, तो वहां पे कंसंट्रेशन आपका फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए भी लैग नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाना चाहता हूं और यहां से आप देखिएगा कॉन्फिडेंस आपका जरूर बढ़ेगा। और दोस्तों जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा वो उन लोगों को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पे भी जो क्वेश्चंस कराऊंगा दोस्तों इसको भी मैं बहुत ही अच्छे से कराऊंगा। यहां पे भी मैं मतलब बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज में समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा शुरू के दो तीन क्वेश्चंस में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पे हमें ये बताना होता है दोस्तों, यहां पे ब्रिटिश की हम बात करें तो यहां पे ए की अगर हम बात करें तो ए कितने ईंटों से स्पर्श में है, कॉन्टेक्ट में है, यही तो हमने बताना होता है। तो यहां पे मैं दोस्तों क्या बताता हूं आपको, क्या देखना होता है सिर्फ और सिर्फ, और सबसे बेहतर तरीका दोस्तों मैं इसको इसलिए मानता हूं कि यहां पे क्या होता है दोस्तों, इस तरह से सॉल्व करने से आपके क्वेश्चन में बात करूं 50 क्वेश्चन जो है दोस्तों 5 मिनट में, तो ये 5 मिनट ना लग के आप 4 से 4.5 मिनट में मैं बात करूं तो मैक्सिमम आप कर लोगे। और ऐसा नहीं दोस्तों बस आप कर ले रहे हो आंसर विद एक्यूरेसी, आप देखना दोस्तों थोड़ी देर बाद, आप ये वीडियो देखने के बाद आप खुद जब प्रैक्टिस करना तो वहां पे आप देखना आपका स्पीड भी इंप्रूव होगा और वो भी एक्यूरेसी के साथ, फिर आपका कॉन्फिडेंस देखना दोस्तों बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। दोस्तों अगर बढ़ेगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां पे चलिए देख लेते हैं, एक ही अगर हम बात करें दोस्तों तो एक कितने ईंटों से कनेक्टेड है, आपने देखना क्या होता है दोस्तों, टॉप देखना होता है, बॉटम देखना होता है। बॉटम की मैं बात करूं दोस्तों तो मतलब ये नीचे निचला जो इसका हिस्सा है ए का, वो किससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे डी से कनेक्टेड है ना। और यहाँ पे साइड की हम बात करें दोस्तों तो साइड, यही तीन चीज हमें देखना होता है और कुछ भी नहीं देखना होता है, और क्रॉस सेक्शन भी हमें देखना होता है, ठीक है दोस्तों। तो क्रॉस सेक्शन दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, तो इसके लिए आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं अभी क्लियर कर देता हूं 2 से 3 क्वेश्चन में क्या क्या आपने करना होता है, कैसे आपने सॉल्व करना होता है। तो यहां पे चलिए ए की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप देखो ए जो है पहले बॉटम से हम बात करें तो यहाँ पे एक ईट से कनेक्टेड है, डी पे रखा हुआ है ना। और अब साइड से हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो साइड में देखो यहाँ पे ये दूसरे ईट से कनेक्टेड है, ये तीसरे ईट से कनेक्टेड। ये मेरे को कैसे पता लगा दोस्तों, तो ये क्रॉस सेक्शन ऊपर वाला देखने के बाद पता लगा, आप भी देखो दोस्तों आपको भी अब पता लग रहा होगा, यही तरीका होता है, ठीक है दोस्तों। यहां पे अब मैं बात करूं तो इधर वाला क्रॉस सेक्शन अगर मैं देखता हूं तो ये इधर से भी पता लग जाएगा, मतलब साइड से भी हमें पता लग जाएगा ये किससे कनेक्टेड है। यहां पे आप देखो इस साइड से हमने देखा 2 ईटों से कनेक्टेड है, और इस साइड से हम मैं देखूं दोस्तों तो यहां पे आप देखो ये 4th ईट है जिससे ये कनेक्टेड है, ये 5th ईट है जिससे ये कनेक्टेड है, और ये 6th ईट है। और किसी से भी एक कनेक्टेड है क्या दोस्तों, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। तो इसका जो आंसर हो गया दोस्तों वो क्या हो गया, 6, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे आगे अगर हम बात करें मतलब बी की अगर हम बात करें तो बी को आप ध्यान से देखो दोस्तों, बी किससे किससे कनेक्टेड है, तो यहां पे ये 1st ईट है आपका और ये 2rd ईट है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है इसका। और यहां पे ये आपका 3rd ईट है, ठीक है दोस्तों। और यहां पे ये तो आपका हो गया, इधर का हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इधर से हम देखते हैं तो ये वाला क्रॉस सेक्शन अगर आपने देखा है तो आप देखो दोस्तों यहां पे ये 3rd 4th ईट है आपका, ये 5th ईट है आपका, और ये आपका 6th ईट है जिससे आपका बी कनेक्टेड है। और किसी ईट से कनेक्टेड हो सकता है क्या दोस्तों, नहीं हो सकता ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, वो हो गया 6, जो कि बिल्कुल भी सही आंसर है। अगर हम सी की बात करें तो सी को आप ध्यान से देखो, सी दोस्तों किससे किससे कनेक्टेड है, तो यहां पे एक तो इधर साइड से कनेक्टेड है 1st ईट, और ये किस पे रखा हुआ है, तो ये 2rd ईट पे रखा हुआ है, एक ईट ये हो गया, ये 3रा हो गया। इसको ऊपर से देखना है दोस्तों, तो यहां पे आप देखो ये 3रा हो गया, ये 4था हो गया, और ये आपका
पांचवां हो गया जिससे ये कनेक्टेड है, और किसी से कनेक्टेड है क्या दोस्तों? सी नहीं है ना, तो इसका जो आंसर हो गया पांच हो गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अब डी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, डी को आप ध्यान से देखो, तो यहां पे ये आपका एक पहला ईट है जिसपे ये रखा हुआ है, ये आपका ऊपर से देखना है दोस्तों, चलिए ऊपर से देखते हैं इसको तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये पहला ईट है आपका जिससे ये कनेक्टेड है, ये दूसरा ईट है, ये तीसरा ईट है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए दोस्तों, थोड़ा सा, थोड़ी देर, आप देखिएगा आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे इसका आंसर जैसे मैं तरीका बता रहा हूं। ये ऊपर से आपने देखा दोस्तों क्रॉस सेक्शन, तो आपको पता लग गया एक दो तीन ईटों, तीन ईटों से डी जो है आपका कनेक्टेड है। अब हम साइड से बात कर लें दोस्तों, तो यहां पे आप देखो ये चौथा ईट है क्या, इससे भी कनेक्टेड है क्या डी? तो बिल्कुल कनेक्टेड है। और इसके ऊपर दोस्तों देखो ये वाला ईट भी रखा हुआ है क्या डी के ऊपर? ये भी ईट रखा हुआ है क्या? ई भी रखा हुआ है क्या? तो आप बोलोगे हाँ ये भी तो रखा हुआ है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो गया? पांच हो गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अब हम बात करते हैं ई की, तो ई को दोस्तों देखो आप ध्यान से, ई किससे किससे कनेक्टेड है आपका? तो ये पहला ईट, और नीचे से आप देखो ये वाला क्रॉस सेक्शन देखो दोस्तों, मतलब कि ऐसे रखा हुआ है और ई के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये दो हो गया, ये दो ईट हो गया, और ये आपका चलिए इसको तीसरा मैं कर देता हूं। और यहां पे साइड से आप देखो दोस्तों, साइड से कितने से कनेक्टेड है ई आपका? तो ऊपर से देखते हैं इसको, ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन से यहां से देखते हैं हम इसको, तो यहां पे एक दो तीन, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, और ये आपका छठा जिससे ये कनेक्टेड है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है इसका दोस्तों। छह, ई का जो आंसर हो गया छह, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए कितने ईटों से कनेक्टेड है, तो ये आप देखो दोस्तों, यहाँ पे ए ये पहला ईट, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये आपका दूसरा ईट, और ये आपका तीसरा ईट, और ये आपका चौथा ईट जिससे ये कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखो ए जो है, ये तो आपने देखा यहाँ पे एक दो तीन और ये चार आपका क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे ये पांचवा ईट है, यहाँ पे इसने क्या करा है दोस्तों, ये इससे गलती हुई है, ये बीच में लाइन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ए जो है आपका पांच ईटों से कनेक्टेड है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे अगर मैं बी की बात करूं, तो बी को आप ध्यान से देखो, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, और ये आपका पांचवा हो गया, और किसी से कनेक्टेड है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ई से दोस्तों आपने ये गलती नहीं करनी है, एज टू एज हम मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि एज टू एज कनेक्शन होता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कॉर्नर से हम बात नहीं करेंगे, मतलब किनारे से हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टॉप की बात करेंगे, साइड की बात करेंगे और बॉटम की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा टॉप देख लिया, टॉप में एक से कनेक्टेड था, साइड में हमने देखा दोस्तों, तो साइड में एक दो तीन ईटों से कनेक्टेड था, और बॉटम में एक ईटों से कनेक्टेड था, मतलब कि टोटल हो गए पांच। यहाँ पे अगर सी की हम बात करें, तो सी को आप ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे ये आपका पहला ईट है, ये आपका दूसरा ईट है, ये आपका तीसरा ईट है, और यहाँ पे ये आपका चौथा ईट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये लाइन नहीं है, ये गलती से दे दिया यहाँ पे एग्जाम में, तो ये नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे चार ईटों से कनेक्टेड है, ये क्वेश्चन ही गलत है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो इसको अगर हम लाइन को नहीं लेते हैं, तो आप यहाँ पे देखो सी जो आपका चार ईटों से कनेक्टेड है, जो कि बिल्कुल भी सही आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, अगर हम बी की बात करें, बी को आप देखो ध्यान से, तो बी को दोस्तों ये पहला, ये दूसरा, आई थिंक इसको मैंने कराया था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। तो बी का जो आंसर दोस्तों कितना है? पांच है। डी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो डी को आप ध्यान से देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा डी का जो है वो आंसर होगा चार। ये मैं कैसे ले रहा हूं दोस्तों, तो ये वाली लाइन में बता चुका हूं ये गलत है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो ईट नहीं हो सकते ना, ऐसे यहाँ पे अगर ऐसे रखा हुआ है तो इसको ऐसे देना चाहिए, और ऐसे भी देगा तो भी गलत हो जाएगा, ऐसे ईट तो नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ई की अगर मैं बात करूं, तो ई को आप ध्यान से देखिए, ये पहला ईट है आपका और ये दूसरा ईट है, और किसी से ई कनेक्टेड है क्या? नहीं है ना, तो ई का जो आंसर होगा वो होगा दो, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पे ए की मैं बात करूं दोस्तों, तो ए को आप ध्यान से देखो, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा, जो कि बिल्कुल भी आसान है, बिल्कुल आसान से दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्या करो दोस्तों, वीडियो को पॉज करो और आप इसका आंसर खुद करो, और फिर मैं जब बताऊंगा तो क्रॉस चेक करो, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो वहां पे आप तुरंत डायरेक्ट आगे बढ़ा के यहाँ पे फॉरवर्ड करके यहाँ पे आंसर देख लो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बी की बात करूं, तो बी को आप ध्यान से देखो, बी कितने ईटों से कनेक्टेड है? तो यहाँ पे दोस्तों बी तीन ईटों से लग रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो बी का दोस्तों तीन हो गया। और सी की मैं बात करूं दोस्तों, तो सी को आप ध्यान से देखो, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पे गलती होने का सवाल ही नहीं है। और डी की मैं बात करूं दोस्तों, तो डी तीन ईटों से जुड़ा हुआ है, आप ध्यान से देखो, पहला, दूसरा और तीसरा,
यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत है? नहीं है ना, तो बिल्कुल सही आंसर इसका ई की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ई को आप ध्यान से देखो। अगर मैं बताना चाहूं दोस्तों तो मैं आपको बता सकता हूं चार ईटों से, अगर आपको भी चार ईट लग रहा है दोस्तों तो बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे क्रॉस चेक करने के लिए, तो चलिए कर लेते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लूं, तो यहाँ पे देखो आप ए जो है दोस्तों यहाँ पे एक, दो और तीन ईटों से कनेक्टेड है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगर मैं बी की बात करूं दोस्तों, तो बी को आप ध्यान से देखो, बी अगर मैं बताना चाहूं दोस्तों तो मैं बताऊंगा दो ईटों से, अगर आपको भी लग रहा है दो तो बिल्कुल सही आंसर है। कौन कौन सा? तो ये और ये। ठीक है दोस्तों, अगर सी की मैं बात करूं तो सी को आप ध्यान से देखो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, और किसी से कनेक्टेड है क्या? नहीं है ना, तो इसका भी आंसर दोस्तों चार है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगर ई की हम बात करें तो ई को आप ध्यान से देखो दोस्तों, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों? टॉप देखा, बॉटम देखा, दो ईट मिला हमें टॉप पे और बॉटम में, और साइड से दो ईट मिला हमें, तो चार ही होगा ना, यही तो हमने देखना है। और कुछ देखना है क्या? और कोई तरीका मैंने बताया क्या? नहीं बताया ना। इससे आप क्वेश्चन दोस्तों करना, फिर आप देखना 50 क्वेश्चन जो है आपके चार, मतलब 5 मिनट से भी कम में, 4-4.5 मिनट में आप नहीं कर लो विथ एक्यूरेसी, तो फिर आप मेरे को बोलना, फिर मेरे को आप कमेंट करके बताइएगा कि नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। आई विल गारंटीड आपके क्वेश्चन भी सही होंगे और टाइम के अंदर होंगे, विद इन गिवन टाइम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डी की अगर मैं बात करूं, तो डी को आप ध्यान से देखो, देखने से ही पता लग रहा है दो से कनेक्टेड है, और किसी से कनेक्टेड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, ये पहला दूसरा। और ई की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ई भी देखने से ही पता लग रहा है चार ईटों से कनेक्टेड है। कौन कौन सा? तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये वाला क्रॉस सेक्शन हमने देखा, यही देखना ही है, और इसका आंसर हमें मिल गया। ठीक है दोस्तों, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगर यहाँ पे दोस्तों देखो, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल भी आसान है ना, कैसे? तो ए को आप देखो, तो ये पहला, ठीक है दोस्तों, फिर ये वाला क्रॉस सेक्शन आप देख लो, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, इधर तीन ईटों से कनेक्टेड है, ये इसको मैं चौथा लिख देता हूं, तो ए जो है आपका चार ईटों से कनेक्टेड है, और किसी से कनेक्टेड है क्या? नहीं है ना। बी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बी दो ईटों के ऊपर रखा हुआ है, और इसी का किसी से, इससे तो बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एज एज कनेक्टेड है, एज हमने नहीं लेना है। यहाँ पे टॉप पे किसी से कनेक्टेड नहीं है, साइड से कनेक्टेड नहीं है, बॉटम से देखें हम दोस्तों, तो ये पहला ईट मिला, ये दूसरा ईट मिला, जो कि बिल्कुल सही आंसर है इसका। और सी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सी को आप ध्यान से देखो, तीन ईटों से लग रहा है मेरे को। अगर आपको भी लग रहा है दोस्तों, तो आप बिल्कुल सीख चुके हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है दोस्तों? तो वो कंप्यूटर या लैपटॉप पे करनी है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, तो आप कॉपी पे प्रैक्टिस अगर कर रहे हो तो बहुत ही गलत कर रहे हो, फिर उससे कोई भी फायदा नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सी की अगर हम बात करें, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे अगर डी की हम बात करें, तो डी को आप ध्यान से देखो, दो ईटों इसके ऊपर, दो ईट रखी हुई है ना, और एक नीचे रखी हुई है, मतलब डी भी आपका तीन ईटों से कनेक्टेड है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। कौन कौन सा दोस्तों? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और कुछ है क्या? नहीं है ना। ई की अगर मैं बात करूं, तो ई को आप ध्यान से देखो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है दोस्तों, तीन ईट तो ये हो गए इसके, और साइड से हम देख ले रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दो ईट और तो जुड़े हुए हैं, मतलब इसके जो कनेक्शन है दोस्तों वो पांच ईटों से है, जो कि बहुत ही आसान था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसको बहुत ही जल्दी आप कर पाओगे। आप देखिएगा, आप इसका प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, और इसका आंसर जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा, डी का कितना होगा, ई का कितना होगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा कराने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मोटिव है दोस्तों, कि आप इस इन क्वेश्चन को देखो, रेलवे ने किस टाइप का क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पे आप जिस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो बिल्कुल उसी टाइप के हैं, उससे ज्यादातर आपको आसानी क्वेश्चन लगेंगे, तो जिससे क्या होगा दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, जो मैं चाहता हूं आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया दोस्तों ना, तो फिर आपको एएलपी का मैं बात करूं, तो साइको टेस्ट क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने का मतलब होता है दोस्तों, आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज करना, कंसंट्रेशन बढ़ना, और कंसंट्रेशन अगर आपका बढ़ रहा है दोस्तों, तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और दोस्तों एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, जो कि एग्जाम क्लियर करने के लिए साइको टेस्ट बहुत ही जरूरी है। स्पीड और एक्यूरेसी, ये दोनों तभी बढ़ेंगे जब आपका कंसंट्रेशन लैग नहीं करेगा। कंसंट्रेशन लैग कब नहीं करेगा दोस्तों? कॉन्फिडेंस जब आपका बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा दोस्तों? जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और एक्यूरेसी बढ़ाने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको मजा आएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन ब्रिक टेस्ट के रहते हैं, तो उसको भी मैं करवा देता हूं, और उसके बाद हम लोग हिडन क्यूब टेस्ट का मैं बात करूं, तो वहां से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी टेस्ट, जो कैसे याद रखना होता है ये मैं बताऊंगा आपको। ट्रैक टेस्ट जो होता है ना, ट्रैक मेमोरी टेस्ट, तो ट्रैक जो कैसे याद करना होता है ये भी मैं बताऊंगा, और भी मेमोरी टेस्ट मैं सब
तरीका बताऊंगा दोस्तों आपको कैसे याद रखना, तो आपको उसका टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। आपको करना क्या दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है, तो वो कंप्यूटर पे करनी है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।